सुबह जहाज है 6 अक्टूबर यूएसए के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो हो चुका है समय हेल इन अ सेल का। अब इस पेपर व्यू के तो ज़्यादा कुछ डोडो ने प्लान नहीं किया है, अब फिर भी जो भी प्लान किया है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हाईलाइट्स प्रीव्यू देंगे, यानी कि आप सब जानते हो प्रेडिक्शंस करेंगे कौन से मैच को कौन जीत सकता है और क्या डोडोली इस पेपर व्यू के लिए और बुक कर सकती है। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई हेल इन अ सेल के लिए बड़ा प्लान करती है और ऐसे ही कुछ करने वाली थी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया तो इस वजह से आखिरी में कम मैचेस अनाउंस हो पाए। तो उसमें से आखिरी में अनाउंस किया गया है बेली और फिर शार्लेट फ्लेयर का मैच, जो कि स्मैकडाउन के वुमेंस चैंपियनशिप के लिए होगा। अब यहाँ पे गाइस इस मैच के बारे में बात करें क्या हो सकता है प्रेडिक्शंस, इस मैच को बेली ही जीतेंगी और टाइटल अपने पास रखेंगी क्योंकि अभी हील कैरेक्टर में स्मैकडाउन की वुमेंस चैंपियनशिप को होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में जो कि हेल इन अ सेल अंदर होगा, यानी कि एक सेल के अंदर। उसमें बेकी लिंच अपनी टाइटल को डिफेंड करेंगी साशा बैंक्स के अगेंस्ट, यानी रॉ वुमेंस चैंपियनशिप का मैच। अब इस मैच में बेकी लिंच अपनी टाइटल को ड्रॉप कर सकती हैं। अब ऐसा क्लैश ऑफ चैंपियंस में एक प्रेडिक्शन था, लेकिन आखिरी टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने प्लान्स को चेंज कर दिया, लेकिन इस बार जहाँ तक लगता है कि इस स्टोरी लाइन का एंड यहीं पर होगा और फिर बेकी लिंच अपनी टाइटल को यहाँ पे ड्रॉप करेगी। इसके साथ हम बात कर दे तो आगे आने वाले सेगमेंट में हमें बेकी लिंच मूव करते हुए दिखेंगी स्मैकडाउन पे और साशा बैंक्स में भी ड्रॉप पे भी जा सकती हैं, यहाँ पे कुछ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर सकती है। अब अगला बात कर लें यहाँ पे अगले मैच के लिए, जो कि यहाँ पे ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं लोग, वो है रोमन और डेनियल ब्रायन का टीम अप और अगेंस्ट हो जाएंगे यहाँ पे ल्यूक हार्पर और फिर एरिक रोवन के। सो गाइस अब इस बार मैच में क्या हो सकता है हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को रियली में कुछ करना है डेनियल ब्रायन के साथ, यानी उनका फेस कैरेक्टर में लाना है वापस, तो इस मैच को रोमन और फिर डेनियल ब्रायन जीतते हुए दिखेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है इस राइवलरी का एंड हेल इन अ सेल में आज हमें होते हुए दिखेगा, आज नहीं बेसिकली कल, तो हेल इन अ सेल में हमें इस राइवलरी का एंड होते हुए दिखेगा और मे बी यहाँ पे डेनियल ब्रायन का फेस टर्न हो सकता है। आगे बात कर ले हमारे मेन इवेंट के लिए, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक और हेल इन अ सेल मैच, जहाँ पे कि हमें सेथ रॉलिंस डिफेंड करते हुए दिखेंगे अपनी टाइटल को द फिंड ब्रे वायट के अगेंस्ट। अब ये होगा मैच यूनिवर्सल टाइटल के लिए हेल इन अ सेल के अंदर। अब यहाँ पे बात करें तो बहुत मुश्किल इसमें प्रेडिक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे ब्रे वायट को भी फॉक्स खुद एडवर्टाइज कर रहा है स्मैकडाउन के लिए कि ब्रे वायट आने वाले स्मैकडाउन में, और सेथ रॉलिंस भी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज है स्मैकडाउन के लिए। अब यहाँ पे बात करें कौन इस मैच को जीत सकता है, अगर इस मैच को जो भी जीता है तो ये तो पक्का हम मान ही सकते हैं, क्योंकि वही हमें देखने को मिलेगा रॉ में और जो हारेगा वो जाएगा स्मैकडाउन में। तो गाइस यहाँ पे बात करें कौन जीते हुए दिख सकता है, तो अभी हमें यहाँ पे ब्रे वाइट ज़्यादा पुश दिख रहे हैं सेथ रॉलिंस, यानी सेथ से ज़्यादा पुश किया गया है ब्रे वाइट को, तो यहाँ पे हमें ब्रे वाइट देखने को मिल सकते हैं इस मैच के विनर, और वहाँ पे वो फॉक्स पे नहीं जाए, वो कुछ भी हो सकता है, ब्रे वाइट में भी वाइल्ड कार्ड रूल की तरह यूज करे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, लेकिन जीतेंगे ब्रे वाइट। आगे आने वाले सेगमेंट की बात करें तो आगे क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें बॉबी लेस्ली और लाना का एक और सेगमेंट देखने को मिल सकता है। अब पेपर व्यू हो रहा है तो वो टीवी पीजी से हट गया, टीवी 14 पे हो गया, तो हम और भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप वो समझ सकते हो। अब यहाँ पे रूसेफ का हमें कुछ यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन भी देखने को मिल सकता है लेस्ली के हिसाब से, हालांकि रूसेफ के अभी कोई कमेंट्स नहीं आए हैं, ट्विटर पर भी साइलेंस बनाए रखा है अभी तक रूसेफ ने। आगे आने वाले सेगमेंट में हमें 24/7 टाइटल का एक कन्फर्म्ड सेगमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं 24/7 टाइटल एक ऐसी टाइटल है जो कि एक सोए हुए शो में आग लगा देती है, और फिर यहाँ पे 24/7 टाइटल का एक हमें चेंज देखने को मिल सकता है, और ओवरऑल रात में यानी हेल इन अ सेल के लास्ट में हमें देखने को मिल सकते हैं कार्मेला या फिर आर्थ्रूथ एक बार फिर से 24/7 चैंपियन। तो ये सेगमेंट ऑलमोस्ट प्लैंड है और डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपना शो थोड़ा बड़ा करना है, तो यहाँ पे इस सेगमेंट को भी ऐड जरूर करेगी। हालांकि आप नीचे कमेंट करके बता दो कि आप एक्साइटेड हो हेल इन अ सेल के लिए, और अगर एक्साइटेड हो तो किस मैच के लिए एक्साइटेड हो, क्या देखना चाहते हो आप हेल इन अ सेल में, और क्या आप सोचते हो कि रोमन रेंस और फिर डेनियल ब्रायन का टीम अप होगा और डेनियल ब्रायन फेस टर्न करेंगे, तो सारा कुछ नीचे कमेंट करके बता दो जो भी आपके राय है। तो ओवरऑल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैसिनेटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने आने वाले अगले वीडियो में।